सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. एंड बिफोर वी बिगिन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर शो ऑन टेलीग्राम. इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी थी यूएस इलेक्शंस. हर चार साल बाद अमेरिकन्स वोट डालकर ये डिसाइड करते हैं कि अब किम जोंग उन और पुतिन से गालियां कौन खाएगा. यूएसए ने वोट काउंटिंग में 4 दिन लगाए. इतने दिनों में तो जिम्बाब्वे 2 टेस्ट मैच हार जाती है और सलमान भाई के हिसाब से तो टोटल जीने के ही इतने दिन होते हैं. और इन 4 दिन के बाद जाकर पता चला कि जो बाइडेन होंगे अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे. जैसे वो साइंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे वो अपने देश में इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जस्ट टू बी क्लियर, मैं अभी भी ट्रंप की ही बात कर रही हूं. वो अपनी हार ही नहीं मान रहा यार. जस्ट लाइक द बॉयज इन माय डीएम्स, अरे नहीं दूंगी यार मैं सोनी लिप का आईडी पासवर्ड. इससे अच्छा तो मेरे पापा दहेज जोड़कर बैठे, मेरा हाथ ही मांग लो, 50-50 कर लेंगे. बट ट्रंप रिकाउंटिंग का वैसे ही वेट कर रहे हैं जैसे मैं 10th के बोर्ड्स की बात अपने मार्क्स की रिकाउंटिंग का कर रही थी. अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ छोटे, मार्क्स रिकाउंटिंग में 1-2 नंबर कम ही हो जाते हैं. वैसे ट्रंप को मैंने कभी अपना प्रेसिडेंट माना ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं था, ना ही मैं बाइडेन को कभी मानने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्रेसिडेंट तो रामनाथ कोविंद है. सर सी ऑन रिपब्लिक डे परेड ऑन दूरदर्शन, क्योंकि पद्मश्री तो मिलने से रहा. बट द थिंग विच हैज इंडियंस एक्साइटेड इज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस. ये तो अभी देखा जाएगा कि पॉलिटिकली कमला हैरिस इंडिया के साथ कैसे डील करती है. लेकिन अमेरिकन पुलिस अब किसी इंडियन को पकड़ ले तो सीधा जवाब आएगा, बाबा ये चाची विधायक है हमारी, एक फोन घुमाएंगे ना व्हाइट हाउस तब पता चल जाएगा. कमला के आने से हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरठ के लौंडे भी अब सुबह उठ के NYPD के लिए दौड़ लगा रहे हैं. कानपुर के लड़के कह रहे हैं, अबे अमेरिका को तो आठ पता चला है, हमें तो बचपन से कमला पसंद है. यूएसए में इलेक्शन वायलेंस के डर से लोग अपनी शॉप्स बंद किए हुए थे, जबकि दूसरी तरफ हमारे बिहार में बिना किसी डर के स्मूथली इलेक्शन प्रोसेस चल रही थी. अरे जाबाजों ने मास्क तक नहीं लगाया था. वक्त चीज ही ऐसी है, हमारे बच्चे हैलोवीन सेलिब्रेट करने की जिद करते हैं, बस अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के बच्चे छठ पूजा और भैया दूज मनाएंगे, जब माइली और साइरस अष्टमी के दिन कंजक खाने व्हाइट हाउस जाएंगे और कमला चाची उन्हें हलवा पूरी के साथ $21 देंगी. वैसे इंडिया में हैलोवीन मनाना उतना ही स्ट्यूपिड है जितना श्रीलंका में दशहरा. हैलोवीन इंडिया में प्रैक्टिकली नहीं है यार. जो आंटी हमें हमारी बॉल वापस नहीं करती वो तुम्हें अपनी टॉफी दे देगी, पॉसिबल ही नहीं है. तो अब बात करते हैं एक नई वेब सीरीज की, स्कैम सीजन 2 बाबा का ढाबा. शुरुआती एपिसोड में बाबा की रोते हुए वीडियो वायरल हुई और उनका मटर पनीर मिनटों में MLAs की तरह बिक गया. और अब लेटेस्ट एपिसोड में यूट्यूबर परेशान है और अब वो रो रो कर वीडियो बना रहा है. बाबा ने जब अपने 20 लाख मांगे तो गलती से सरकार के मुंह से निकल गया, अबे ओ 5 लाख ज्यादा नहीं मांग रहा है. वो तो फिर बाद में उनको पता चला कि किसी और इन्फ्लुएंसर से मांग रहा था. इन अदर न्यूज, मुंबई पुलिस ने एक बड़े टीवी एंकर को अबेटमेंट टू सुसाइड केस में गिरफ्तार कर लिया है. चलो सही है, स्टूडियो सिकनेस तो नहीं होगी क्योंकि बस 2 कैमरा लाओ और प्राइम टाइम डिबेट शो रेडी. ऐसे अरेस्ट होने के लिए तो वो ऐसे तैयार हुआ था जैसे स्कूल पिकनिक जाना हो, लेकिन अरेस्ट रेजिस्ट ऐसे कर रहा था जैसे स्कूल का फर्स्ट डे हो. वहीं कुछ लोग इसको मीडिया की फ्रीडम के खिलाफ भी बता रहे हैं. मेरा भी यही मानना है कि नॉइस पोल्यूशन कम करने का ये बेस्ट तरीका नहीं है. दिवाली इस साल बाकी सब फेस्टिवल्स की तरह अलग सी रहेगी. दिल्ली और हरियाणा समेत 5 state governments ने तो ऑलरेडी क्रैकर सेल पर बैन कर दिया है दिवाली सीजन में. आधा अधूरा सा, मतलब सरकार भी कंफ्यूज्ड ही है, लेकिन पोल्यूशन की विजन एकदम क्लियर है. पोल्यूशन ऑलरेडी वेरी हजार्डस लेवल पर पहुंच चुका है दिल्ली NCR में. वहां तो ऐसे हाल है कि कोरोना खुद मास्क पहनकर घूम रहा है. मतलब मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में तो इतना स्मॉग है ना कि शंकर महादेवन को भी ब्रेथलेस कर दे. वैसे तो जुआ पहले दिवाली पे खेला जाता था, लेकिन अब उसके लिए अलग ही फेस्टिवल अरेंज कर दिया है. जी हाँ, प्रीमियर लीग. स्टेडियम बेशक खाली हो लेकिन फैंटेसी लीग्स ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जेब फुल भर दी है. इस बार प्रीमियर लीग के फाइनल्स में भी वो हुआ जो सालों से यूट्यूब वीडियोस में होता आ रहा है, दिल्ली वर्सेस मुंबई. एयर क्वालिटी और विमेन सेफ्टी के बाद अब मुंबई ने प्रीमियर लीग फाइनल में भी दिल्ली को हरा दिया. पर प्रीमियर लीग खत्म होने पर सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं फैंस. अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि शाम होते ही करना क्या है.